Hey, hi everyone, welcome back to my channel and another day in my life. So welcome to all of you in my blog. तो आज की दिन की शुरुआत थोड़ी सी लेट हो गई. 7 बजे मुझे उठना था लेकिन मैं 8 बजे सो के उठी हूँ एंड तब तक काफ़ी ज़्यादा धूप रूम के अंदर आ रही थी. आप देख सकते हो वीडियो में विदाउट लाइट कितना ज़्यादा लाइटिंग हो रखी है रूम एंड मुझे ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है. अगर नेचुरल लाइट के साथ उठ जाओ तो फिर अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. हालांकि मैंने अलार्म लगा के सोई थी लेकिन आंखें नहीं खुली मेरी. सो उसके बाद फ्रेशन अप होने के बाद मैंने ये आलमंड रात को भिगो के ही रख दी थी खाने के लिए. और काजू वगैरह मैं खाती नहीं, सिर्फ आलमंड ही मैं भिगो के रखी थी. और फिर मैं आगे बालकनी में थोड़ी देर खड़े होने के लिए, थोड़ी सी धूप थी एंड अभी तो धूप चुभना भी शुरू नहीं हुआ है, वरना जब गर्मी आ जाएगी प्रॉपरली तब तो धूप में खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा. तो ये जो टाइम है, मतलब थोड़ी सी ठंडी थोड़ी सी धूप, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है. हालांकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब इसी वक्त ही होती है एंड मेरे को भी सर्दी लग गई थी. अभी थोड़ी थोड़ी सी मैं रिकवरी कर रही हूँ. तो फिर मैं नीचे झाँक रही थी क्योंकि पास की एक आंटी थी, वो किसी से बात कर रही थी एंड सुबह सुबह इतना ज़्यादा साइलेंट था चारों ओर, तो मुझे सुनाई दिया कि अरे क्या बात कर रहे हैं. तो मैंने भी झांक लिया, जो कि हर इंडियन करते हैं आई थिंक सो. लेकिन उसके बाद मैं फिर सोचा कि चलो अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, बाहर खड़े होकर कितने देर खड़े हो जाएंगे. तो देन मैंने ये त्रिफला पानी बनाई और चाय को मैंने रिप्लेस कर दी है त्रिफला पानी के साथ. सुबह नहीं पीती हूँ चाय, अगर 3-4 दिन में मन करता है तो शाम को ही पीती हूँ. ये सारे चेंजेस तबीयत को थोड़ी सी सही करने के लिए मैं कर रही हूँ अभी. तो फिर मैंने एक लेक्चर के साथ अपने दिन की शुरुआत करी एंड ये था कि इकोनॉमी का मेरा काफ़ी कुछ कंसेप्ट थोड़ी सी क्लियर नहीं थी, तो इसीलिए मैंने लेक्चर को दोबारा सुनना ही सही समझा ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्रैप्स हो जाए. और रही बात प्रीलिम्स की, तो आपको पता ही है कि इकोनॉमी का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहेगी तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए. तो मैं लेक्चर्स वगैरह रिवाइज कर रही थी एंड जब वो ख़त्म हो गई मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने ये जो चना रात को भिगा के रखी थी पानी में उसको ही उबाल के उसमें क्या बोलते हैं उसको, ककड़ी, हाँ राइट, ककड़ी, थोड़ी सी गाजर ये वगैरह डाल के मैंने बनाई. और फिर आगे की पढ़ाई की शुरुआत करनी थी लेकिन मुझे आज टेस्ट देनी थी. हाँ, मैंने अपनी पॉलिटी की फर्स्ट टेस्ट की जो भी पोर्शंस थे उसको ख़त्म कर दिया था, तो मैंने सोचा कि चलो एक टेस्ट दे देते हैं. और टेस्ट देने के बाद ये होती है कि आपको पता चल जाती है कि आपने जितना पढ़ाई की थी एक्चुअली में वो दिमाग में गई है या फिर सिर्फ आपने ऐसे ऊपर से पढ़े हुए हैं. तो ये वाले टेस्ट में कुछ इतना ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे नहीं एंड जो चीज़ें करेंट अफेयर्स की थे वो मुझे आ रहे थे. और करेंट अफेयर्स मैं अभी नहीं कर रही हूँ, मैं लास्ट में ही करूँगी. उसके बाद मैंने इवेलुएट कर लिए अपने आंसर्स को एंड ये बेसिक टेस्ट थे तो इसके लिए मैं OMR शीट्स यूज़ नहीं कर रही हूँ. लेकिन हाँ, जब से फुल लेंथ टेस्ट मुझे देनी होंगे तब से मैं OMR शीट्स की ही यूज़ करूँगी. तो जब मैंने इवेलुएट किया मैंने देखा कि सिर्फ एक क्वेश्चन ही गलत हुई थी मेरी. तो फिर मैंने अपने लिए थोड़ी सी कॉफ़ी बनाई और मेरी एक दोस्त से बात करते हुए मैंने कॉफ़ी पी क्योंकि अभी लॉन्च नहीं करनी थी, मेरे को भूख नहीं थी बिल्कुल भी. तो मैंने सोचा कि चलो कॉफ़ी पी के थोड़ी सी रिफ़्रेश हो जाऊंगी तो वेट के अच्छे से पढ़ पाएंगे आगे. तो फिर पॉलिटी पढ़ने की मन का बिल्कुल नहीं थी, मतलब 2 दिन से मैं वही कर रही थी. तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टॉपिक चेंज किया जाए एंड यही चीज़ें मैं आपको भी बार बार सजेस्ट करती हूँ कि अगर कोई भी टॉपिक आप लेके पढ़ रहे हो आप अपनी शेड्यूल को इतना फ्लेक्सिबल रखो कि अगर वो चीज़ें आपसे नहीं हो रही है तो आप उसको चेंज करके कोई और टॉपिक उठा सको. तो फिर आर्यंत का ये बुक मैं लेके आई थी जो मैंने आपको सजेस्ट भी किया था कि हाँ काफ़ी अच्छी है ये चीज़ें, तो वहाँ से ही मैंने आर्ट एंड कल्चर करना शुरू किया. एंड उसके बाद मैं गई थोड़ी सी बाहर दही लाने के लिए क्योंकि लंच करनी थी. तो लंच में हमने बनाई थी आज पुलाव और उसके लिए ही मैं दही लाने गई थी मार्केट में. तो फिर क्या था, मैंने लंच किया एंड उसके बाद थोड़ी सी रेस्ट कर रही थी और तब तक शाम हो गई थी. तो शाम को बस बालकनी में से थोड़ी देर खड़ी रही एंड मैं जैसे बोल रही थी कि मैंने 5-6 दिन से चाय नहीं पी थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी चाय बनाई अपने लिए और चाय पी के फिर बैठ गई जो टेस्ट आज हमने दी थी उसको एनालाइज़ करने के लिए. हालांकि सारे क्वेश्चन सही थे लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें थे जो मैंने डाउट से किए थे लेकिन वो सही हो गए.
तो क्यों वो चीज़ें हुए, क्या क्या मुझे अभी और पढ़नी है, इन सारे टॉपिक्स में उसको ही मैं लिख रही थी एंड बीच बीच में रिवाइज भी कर रही थी कि हाँ ये चीज़ें क्यों गलत हुई या फिर मेरे को क्यों याद नहीं आया एग्जैक्ट आंसर। तो या टेस्ट देना जितना इम्पोर्टेंट है उसको रिवाइज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो या आज का दिन बस यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।